हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम पहुंच गए हैं रोटोरुआ के एयरबीएनबी में। सो आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये लेक ऑफ रोटोरुआ है। सो जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी अच्छी है, हमें लेक फ्रंट प्रॉपर्टी मिल गई और ये थोड़ी सी सिटी सेंटर से दूर है, तो काफ़ी साइलेंस है यहाँ पे और काफ़ी सही प्राइस पे हमें मिल गई ये प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे यूजुअली जो एयरबीएनबी की रेट्स हैं वो काफ़ी हाई हैं, तो हम लोगों ने सिटी के थोड़ा सा दूर इसलिए भी प्रेफर किया क्योंकि थोड़ा साइलेंट भी था और सिटी में थोड़ी कार पार्किंग की भी दिक्कत रहती है। कार पार्किंग कहीं से हमें हटानी पड़ती है, कहीं वापस लगानी पड़ती है और कार पार्किंग के चार्जेस भी यहाँ पे हैं काफ़ी। सो आज का प्लान हमारा ये है कि हम रोटोरुआ एक्सप्लोर करने वाले हैं और रोटोरुआ के अंदर जो थर्मल पावर प्लांट्स है वो देखेंगे, सारे जो लेक्स हैं वो देखेंगे और बस अभी तक तो यही प्लान है क्योंकि कल हमारी जर्नी काफ़ी लंबी होने वाली है। कल हम जो प्लान कर रहे हैं ऑकलैंड जाने का रोटोरुआ से, वो एक ओशन वाला रूट लेने वाले हैं हम। सो कोरोमंडल जाएंगे और पूरा जो ओशन वाला रूट है वो ही लेंगे। तो अभी हम निकलते हैं रोटोरुआ, देखेंगे कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकलते हैं यहाँ से। ऑलरेडी यहाँ पे 8 बज गए हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो आज हम थोड़ा सा रिलैक्स्ड डे ट्रिप करेंगे और कल हम फिर से बड़ी जर्नी करेंगे। सो मिलते हैं, दिखाती हूँ आपको कि रोटोरुआ कैसा दिखता है। ये हमारा रोटोरुआ का एयरबीएनबी है। सो काफ़ी छोटा सा है और काफ़ी अच्छे से इन्होंने डेकोरेट कर रखा है एयरबीएनबी को, तो सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं यहाँ पर। बहुत कॉफ़ी रख रखी है, चाय रख रखी है, माइक्रोवेव है, फ्रिज है, यूटेंसिल्स हमें बहुत सारे प्रोवाइड कर रखे हैं, तो अगर खाना वाना बनाना हो तो। और प्लस यहाँ डाइनिंग टेबल है और बेड है, सोफ़ा है। इन्होंने इतनी छोटी सी स्पेस को भी ना एकदम बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया है। और इधर ड्राइंग रेक है, मिरर है। ये जो गेट है वो शायद ओनर के कमरे का गेट है, तो ओनर बेसिकली ऊपर रहते हैं तो उनका गेट है ये। और ये वॉशरूम है, वॉशरूम भी बहुत कॉम्पैक्ट सा है लेकिन मतलब ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। सो हो गए हम रेडी और अब हम जा रहे हैं रोटोरुआ देखने। सो प्लान अभी ये कि हम एक ओकेरे फॉल्स देखेंगे यहाँ पे और उसके बाद वहीं पर ग्लोवर्म केव्स हैं तो वहाँ जाएंगे और उसके बाद हम सिटी सेंटर में जाएंगे और वहाँ मड बाथ और थर्मल रिजर्व्स जो हैं वो देखेंगे। और यहाँ पे हमने किसी ने बताया है कि एक कैरोसिन क्रीक भी है तो वो भी देखेंगे। तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं रोटोरुआ को। हम जिस एरिया में रुके हैं वो एक सबर्ब है रोटोरुआ का। सो यहाँ पे काफ़ी प्रिटी ऐसे शीप और हॉर्सेस और काउज के स्टेबल्स वगैरह, बांस वगैरह सब कुछ है और यहाँ पर रात में आप वॉक भी कर सकते हो, काफ़ी प्रिटी है। लेक साइड है, लेक्स दिखते हैं यहाँ से। और अब हम जा रहे हैं ओकेरे फॉल्स, तो मिलते हैं वहाँ। सो हम पहुंच गए हैं ओकेरे फॉल्स और यहाँ से दिखा रहा है ओकेरे फॉल्स 1 मिनट है और जो टूटिया केव्स है वहाँ हमें मिलेगी ग्लोवर्म्स वगैरह, वो भी इसी तरफ है।
तो चलते हैं ओकिया फॉल्स की तरफ। ये ओकेरे फॉल्स तो यहाँ से 1 मिनट ही है। ओहो, पानी की आवाज़ यहाँ से आ रही है और पानी हल्का हल्का दिख भी रहा है यहाँ पे। चलते हैं, थोड़ा देखते हैं। ओ, ये है यहाँ का ओकेरे फॉल्स, काफी खूबसूरत सा दिख रहा है। सो अब हम पहुंच चुके हैं ओकेरे फॉल्स और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ओकेरे फॉल्स का वाटर है जो बहुत ही फ्रेश है और यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और बहुत मज़ा आ रहा है। ये पहले एक पावर हाउस था, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी और अब हम चलेंगे ग्लोबम केव्स की तरफ। सो अब हम जा रहे हैं ग्लोबम्स देखने और यहाँ पर एक और फॉल्स है वो भी देखेंगे और पीछे इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है और इस बात से हम चल के आ रहे हैं। ये जो आवाज़ है वो इतनी प्यारी लग रही है। और हम थोड़ा सा चल के पहुँचे हैं यहाँ पे टुटियास केव और टुटिया फॉल इधर है 5 मिनट्स, तो अब हम चलेंगे केव्स देखने। और ये सीढ़ियाँ हैं जो जाती है, काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे। और काफ़ी पक्षियों की आवाज़ें आ रही है। हम उस डायरेक्शन से आए थे अभी और ये डायरेक्शन और है जो ट्राउट पूल फॉल्स की तरफ जा रहा है। ये देखिए आप ग्रीनरी यहाँ पे, ग्रीनरी यहाँ जो पेड़ वगैरह इनको छुआ भी नहीं है, जैसे पेड़ थे वैसे ही हैं, तो काफ़ी प्रिजर्व कर रखा है। ये भी एक कंजर्वेशन कर रखा है इस जगह का भी इन्होंने। तो आइए ले चलते हैं आपको केव्स की तरफ। और हम उतरते उतरते इन सीढ़ियों से पहुँच गए हैं टुटिया फॉल्स। तो ये है टुटिया फॉल्स, आप देख सकते हो ये पूरा पाथ हमने लिया था। सो टुटिया फॉल्स में, टुटिया केव्स में ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे जब वॉर हुआ था तो उस वॉर में जो यहाँ बच्चे और विमेन थी उनको छुपाया गया था। ये आप देख सकते हो टुटिया फॉल्स। और ये यहाँ पर ऐसी सीढ़ियाँ बना रखी है टुटिया फॉल्स के लिए। और यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं राफ्टिंग के लिए भी आते हैं, तो राफ्टिंग में आपको ड्रॉप करवाते हैं इस फॉल से। इससे जगह को यहाँ पे वाइट वाटर राफ्टिंग भी कहते हैं। सो यहाँ पे राफ्टिंग भी करवाते हैं 2 किलोमीटर्स की। और आप देख सकते हो कि क्या नज़ारा है। ये 7 मीटर लॉन्ग वाटरफॉल है और यहाँ पे इसके बारे में चीज़ें लिखी हुई है। अब हम चल रहे हैं फाइनली केव्स की तरफ। सो जो केव्स है वो काफ़ी लंबी है और एकदम फॉल्स दिख रहे हैं केव से भी, एकदम फॉल्स नज़र आ रहे हैं केव से भी। ऐसे सीढ़ियाँ जा रही है और यहाँ केव फॉल्स देख सकते हो यहाँ केव से। आवाज़ थोड़ी अनक्लियर हो सकती है क्योंकि फॉल्स की आवाज़ काफ़ी लाउड है।
अब हम फिगर आउट करते हैं कि ग्लोबम्स कहाँ पर है। सो ये रही ग्लोबम केव्स, हम केव्स के अंदर जा रहे हैं। टॉर्च हम लाए हैं साथ में और अंदर देखते हैं कुछ मिलता है क्या। सो हम फाइनली ग्लोबम केव से बाहर आ गए हैं। अंदर कुछ ज़्यादा खास दिखा नहीं और शूट तो मैं कुछ कर पाई नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था। और अब हम जा रहे हैं सिटी की तरफ, वहाँ हम एक पार्क है वहाँ जाएंगे, थर्मल स्पा वगैरह करेंगे। देखते हैं सिटी में क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे और मिलते हैं सिटी के अंदर। Yeah.